hello and welcome back to the video lecture the topic for today is magnetic effect of electric current but to know the magnetic effect of electric current as the topic indicates that there is a magnetic effect in of electric current means if there is electric current there will be also magnetic effect uh, as we know there are electromagnetic waves हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड टू प्लेस सो टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम बेसिक्स जहाँ पे हम सिंपल मैग्नेट्स देखेंगे क्या होते हैं और मैग्नेट का बिहेवियर क्या होता है उनकी फील्ड क्या होती है बस बेसिक्स आए सिंपल मैगनेट क्या है छोटी क्लासेज में पढ़ाए बहुत से बच्चों ने खेला भी होगा इनसे तो मैग्नेट क्या है बेटा एक ऑब्जेक्ट है सिंपल सा जो अट्रैक्ट करता है आयरन स्टील निकल या कोबाल्ट जैसे मेटल्स को ठीक है बहुत तरह के मैग्नेट्स पाए जाते हैं बहुत शेप्स के होते हैं यू शेप्ड होते हैं हॉर्स शू भी बोलते हैं जिसे बार मैग्नेट्स होते हैं सर्कुलर शेप में होते हैं किसी ने अगर कभी स्पीकर देखा है या फिर अपने घर का टेप रिकॉर्डर किसी ने तोड़ा हो है ना क्योंकि हमने तो बहुत तोड़े हैं तो फिर उसके अंदर बेटा सर्कुलर बिल्कुल सर्कल की शेप में मैग्नेट पाए जाते हैं बाकी भी अगर आप छोटे छोटे स्पीकर में देखो आप ईयरफोन में देखो ईयरफोन में छोटे 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 से मैग्नेट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा तो इसी तरह से डिफरेंट शेप्स के होते हैं लेकिन बार मैग्नेट के बारे में कॉमनली हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो हमें एक क्लियर पिक्चर देता है मैग्नेट्स के बारे में इस टॉपिक में अभी हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैसे होता है बस हम यहाँ पे कुछ फील्ड क्या होती है मैग्नेट्स की फोर्स क्या होती है बस इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक है फिर बात आती है बेटा लोड स्टोन की तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये जो बेटा मैग्नेटिज़्म जो वर्ड है टर्म है ये मैग्नीजिया से लिया गया है मैग्नीजिया एक जगह का नाम है ग्रीस पे है ना तो वहाँ पे क्या है ग्रीक में आज से कम से कम 2000 साल पहले इस चीज़ का आविष्कार हो चुका था तो बेटा ये जो पत्थर होते थे इनको लोड स्टोन बोला जाता था ये जो पत्थर होते थे ये क्या करते थे मेटल के पीसेस को जैसे आयरन के पीसेस को क्या कर देते थे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते थे ठीक है उसके बाद ये इन स्टोन को क्या बोला गया लोड स्टोन्स बोला गया जो क्या करते हैं आयरन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर दे तो ग्रीस में मैगनीजिया नाम की एक जगह थी वहाँ पे इसका इसे देखा गया था तो पहली बार जो कंपास बनाया गया वो चाइनीज द्वारा बनाया गया टू नेविगेट ठीक है नेविगेट करने के लिए कंपास का इस्तेमाल होता था फिर आगे आगे क्या हुआ कि ये तो नेचुरल मैग्नेट्स थे लोड स्टोन stone, जो स्टोन्स थे जो अट्रैक्ट करते थे उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनने लग गए इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी कैसे बनते हैं और उनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन रहता है और बहुत सारी कैलकुलेशन भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को लेके मैग्नेटिक फोर्स को लेके चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू तो सिंपल बार मैग्नेट क्या है बेटा रेक्टेंगुलर शेप का होता है ठीक है जिसमें दो पोल्स पाए जाते हैं नॉर्थ और साउथ आप सभी को पता है आप सबको पता है सिमिलर पोल होंगे सेम पोल होंगे तो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब भी अगर हम बार मैग्नेट को बेटा फ्रीली सस्पेंड कर दे मतलब फ्रीली उसको रख दे किसी चीज़ में हम क्या कर दे उसको जैसे मान लो वायर में हमने उसको बांध के फ्रीली उसको सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा बेटा लाइट सा जो बार मैग्नेट हल्का बार मैग्नेट होगा वो क्या करेगा अपनी पोजिशन को खुद नॉर्थ पोल की नॉर्थ साइड में वो खुद ही घूम जाएगा जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन देता है बेटा ठीक है तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो खुद ही अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ क्या कर देगा घूम जाएगा और डायरेक्शन क्या कर देगा नॉर्थ पोल का बार मैग्नेट के नॉर्थ का है ना अब देखो समझ में आया ठीक है इसके कहने का मतलब है या नॉर्थ पोल है जो जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसकी तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ अपने आप घूम जाता है अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें फिर बात आती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है बेटा जो भी हमारे पास मैग्नेट है ज़रूरी नहीं है वो बार मैग्नेट ही हो जो भी हमारे पास मैग्नेट होती है बेटा उनकी एक सराउंडिंग होती है वो सराउंडिंग जहाँ वो क्या कर सकते हैं अपनी फोर्स लगा पाएंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पार्टिकल पे है ना जिसको वो अट्रैक्ट कर सके मान लो आयरन नेल है तो एक फील्ड होगी किसी मैग्नेट की एक फील्ड होती है ठीक है जहाँ तक वो क्या कर पाएगा अट्रैक्ट कर पाएगा अपने जो भी उस पर प्रॉपर्टी है चीजों को है ना तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड ठीक है तो वो दायरा जहां पे क्या करेगा एक मैग्नेट क्या करेगा अपनी फील्ड लगा, फोर्स लगाएगा उस फील्ड को क्या बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड फिर बात आती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की ये लाइन्स क्या इंडिकेट करती है कि जो डायरेक्शन होगी ठीक है हमारी मूवमेंट की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी तो लाइन स्ट्रॉम्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव कहने का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमें डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की और सिंपल आप ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दिखती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें बताती है ठीक है और डायरेक्शन क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू हमें क्या होता है पता चलता है ठीक है तो ये कुछ बेसिक्स टर्म थी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है तो यहां पे हम एक डायग्राम के थ्रू एक बार मैग्नेट को देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि इस बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या हो सकती है ठीक है तो यहां पर मैंने एक सिंपल सा बार मैग्नेट बनाया जहाँ पे इसकी जो रेड साइड है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है और जो इसका ब्लू साइड है वो साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है ठीक है और सिंपल क्या है बेटा ये बार मैग्नेट में एक फील्ड तैयार हो रही है जो हम देख पा रहे हैं ठीक है अब इस फील्ड का हमें कैसे पता चला कि इसकी शेप ऐसी होगी और ये फील्ड ऐसी दिखेगी तो बेटा देर आर टू वेज टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पहला हम आयरन जो डस्ट है या आयरन फीलिंग्स भी बोलते हैं उसको अगर हम किसी बार मैग्नेट के ऊपर आयरन आयरन फीलिंग्स को क्या करें स्प्रेड कर दे तो क्या होगा बेटा वो खुद ही खुद को अगर मान लो हमने यहाँ पे आयरन डस्ट गिरा दी या फीलिंग गिरा दी वो खुद को इस तरह खुद को अरेंज कर देगी जो हमें वो क्या दिखेगी कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ में दिखेगी है ना यहाँ से ऐसे ठीक है वो खुद ब खुद ही ऐसे अरेंज कर देती है खुद को और दूसरा है बेटा अगर हम यहाँ पे हमारा कंपास को यूज़ करेंगे मैग्नेटिक कंपास को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्शन किस किधर को देगी नॉर्थ टू साउथ को जो डायरेक्शन होती है बेटा वो टेंजेंशियल पाथ हमें बताता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंपास रखते हैं देखो ध्यान से देखेंगे मान लो यहाँ पे मैंने क्या रखा कंपास रख दिया ठीक है तो कंपास की बेटा जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी जो कंपास की नॉर्थ डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी और जो उसकी साउथ डायरेक्शन होगी देखो ये एरो मैं इसको डार्क करता हूं थोड़ा ठीक है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी तो याद रखना है कंपास की नॉर्थ डायरेक्शन हमें क्या क्या बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तो ये टेंजेंशियल पाथ अगर हम यहाँ से बनाएं टेंजेंशियल पाथ सबको पता है तो ये हमें क्या देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे अगर बेटा आप मैग्नेट कंपास को यहाँ रख दोगे अगर तो क्या होगा तो आपका नॉर्थ पोल इस साइड को इंडिकेट करेगा और साउथ पोल इस साइड को इंडिकेट करेगा अगर हम बार मैग्नेट को यहां रख दे तो तो नॉर्थ इधर को आ जाएगा और साउथ इधर को आ जाएगा अगर हम यहां से टेंजेंशियल एक पाथ बनाएं तो डायरेक्शन तो टेंजेंशियल पाथ हमें क्या देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो अगर यहां पे हम प्रॉपर्टीज की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये बनती है दैट देख के पता चल रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट बेटा बार मैग्नेट के बाहर बार मैग्नेट के बाहर क्या होगा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ट्रेवल करेगी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ठीक है कहां से करेगी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ठीक है एंड इनसाइड द मैग्नेट इनसाइड द बार मैग्नेट द magnetic field lines विल ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ये याद रखना है आउटसाइड द मैग्नेट दे विल ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नीचे से भी बेटा देख रहे हो आप डायरेक्शन देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी है ना और यहाँ से अगर हम यहाँ से इसका बिगर पार्ट बनाए ऐसे करके तो ये अंदर को आएगी और यहाँ से बाहर को जाएगी है ना और इनसाइड क्या होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी तो पहली प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यही है दैट दे दैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल समझ में आया अब अगर आप ध्यान से देखो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को मैं किस तरह बनाया है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा ठीक है कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने किस तरह से बनाया है तो अगर आप बेटा देखो यहाँ पे हर एक फील्ड लाइन को दिखाऊंगा तो हर एक फील्ड लाइन्स को आप चेक करो और जब भी आप डायग्राम बनाओ प्लीज़ बहुत ही सही से डायग्राम बनाया करो ठीक है जब भी डायग्राम बनाओगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा एक दूसरे के पैरल ही रखोगे सर्कुलर पाथ में भी अगर आप डायग्राम देखो तो कहीं पे भी मैंने क्या नहीं किया ओवरलैप या फिर इंटरसेक्श इंटरसेक्शन नहीं हो रही कहीं पे भी किसी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज़ है देख सकते हो आप ये देखो कहीं पे भी किसी पॉइंट पे ये थोड़ा सा यहाँ को आ गया है ना ये फील्ड लाइन नहीं है तो यहाँ पे अगर आप देखो अगर आप पोल्स के एंड में भी देखो तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही आगे जाके भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही ये चीज़ क्या है ऑब्जर्व करने वाली है इसे ऑब्जर्व करना है ध्यान से देखना और जब भी डायग्राम बनाओ कभी भी ऐसा डायग्राम मत बनाओ जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही हो ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी हमने बताई डायरेक्शन के बारे में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कि बार मैग्नेट में ये जो हमने डायग्राम बनाया है यहां पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी मैक्सिमम कहां पे होगी और कम से कम कहां पे होगी मतलब जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कहां होगी तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है बेटा सिंपल अगर मैं बताऊं सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जितनी ज्यादा क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी एक दूसरे के जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के क्लोज होगी उतनी ही स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी सिंपल बोले तो एकता में बल सुना होगा आपने तो वैसे ही मैग्नेट के लाइन्स के साथ है जितनी वो क्लोज रहेंगी जितनी वो क्लोज रहेंगी वहां पे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी उसकी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की वहां पे जो फोर्स होगी वो ज़्यादा से ज्यादा एक्जर्ट होगी बट एज द मैग्नेटिक फील्ड वाइडन्स जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाइड होती रहेगी बेटा उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ यहां पर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी बेटा वो कम होगी एज कंपेयर टू द पोल्स अगर आप पोल्स ध्यान से देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर बेटा अगर आप पोल्स को ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है है ना और जैसे जैसे आप दूर जाओगे आप जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेट से वो वाइड होती रहेगी वाइड होने पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा कम होती रहेगी किसकी बार मैग्नेट की वैसे अगर हम दूसरे पोल में देखें तो दूसरे पोल में भी क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन्स है दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर बट एज वी गो

जैसे जैसे दो जाएगी वैसे वैसे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती रहेगी तो सेकेंड प्रॉपर्टी के बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती ठीक है अगर वो इंटरसेक्ट करती है मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे साइड में बना दूंगा फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी लाइन ने उसको क्या कर दिया ओवरलैप कर दिया यहाँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ जाएगा बेटा यहां आ जाएगा और इस पॉइंट पे जब हम कंपास को रखेंगे तो इस पॉइंट पे कंपास को अगर हम रखेंगे ये जो कंपास है कंपास सब जानते हैं सिंपल डिवाइस है, simple device है ठीक है किसका बना है मैग्नेट का बना है लाइट मैग्नेट यहाँ पे लगाते हैं इस कंपास में जो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साइड को अपनी डायरेक्शन देता है और इसका ये पार्ट इसका मैग्नेट का नॉर्थ ही अर्थ के नॉर्थ की तरफ क्या करता है डायरेक्शन देता है तो बेटा अगर यहां पे हम रख दें इस बार मैग्नेट को तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम सॉरी कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कंपास को रखते हैं तो वो क्या करता है एक डिफ्लेक्शन शो करता है ठीक है कि भाई इधर को डायरेक्शन है मुझे ऐसे को जाना है ना तो ये क्या है ये कंपास क्या करेगा ऐसे को जाएगा लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में कंपास को रख दे तो क्या होगा बेटा ये दो डायरेक्शन दिखाएगा बट इज दैट पॉसिबल क्या कंपास का एक ही वक्त पे दो डायरेक्शन दिखाना क्या पॉसिबल है नो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल ठीक है सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ठीक है।, है अगर हम क्या करें यहां एक छोटा सा डायग्राम से मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर करता हूं यहां पे छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा आई होप आपको दिख रहा होगा मान लो हम अगर दो बार मैग्नेट ले लें ठीक है और इसके इस पार्ट को नॉर्थ बोल दिया और इस पार्ट को भी नॉर्थ बोल दिया यहां पे साउथ और यहां पर साउथ एंड वी नो दैट सिमिलर पोल विल रिपेल विद ईच अदर ये दोनों क्या करेंगे रिपेल करेंगे अब अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना की हम कोशिश करेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस जाएगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा इस तरफ को चली जाएगी और ये वाली इस तरफ को चली जाएगी वैसे यहाँ से इधर को और फिर इधर को ठीक है तो यहाँ पर जो अगर अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसे रख दें अगर हम बीच में अगर हम बाहर मैग्नेट को रख दें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ऊपर को हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता तो वो कहां जाएगा बिल्कुल और यहां पे इंटरसेक्शन तो याद रखना है थर्ड पॉइंट क्या है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन ज वेल एज मैग्नीट्यूट वो देख के पता चल रहा है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी एक डायरेक्शन है और साथ में साथ मैग्नीट्यूट भी है इन चारों प्रॉपर्टीज को एक बार लिखेंगे ठीक है एक बार हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द डायरेक्शन आउटसाइड ठीक है एंड इन साइड तो so, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की याद करेंगे सभी पहली दे ट्रेवल फ्रॉम दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट ठीक है एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट पहली प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा मोर इज क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फोर्स भी बोल सकते हैं ठीक है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जितनी ज्यादा हमारी क्लोजनेस होगी किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स होगी थर्ड नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट विद इच अदर कैन इंटरसेक्ट विद इच अदर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं सोती और फोर्थ बताओ क्या है इट इज वेक्टर क्वांटिटी लास्ट है ना इट इज वेक्टर क्वांटिटी ये चार प्रॉपर्टीज है इसके बाद थोड़ा सा हम और इसको आगे इसी चैप्टर को करेंगे फिलहाल अभी के लिए इतना ही Okay okay thank you